देखो, जिसको भी OBS स्टूडियो को यूज करके अपनी पीसी पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना आता है या फिर अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना आता है अपने पीसी पे OBS स्टूडियो को यूज करके, उसको कोई भी अदर स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यार देखो, OBS स्टूडियो एक फ्री सॉफ्टवेयर है जिसपे कोई वाटरमार्क नहीं आता, और उस पर आप लोग जितनी हाई क्वालिटी में वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हो, उतना हाई क्वालिटी में आप लोग स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हो OBS स्टूडियो की मदद से। तो कोई अदर स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढने की तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपको अच्छे से OBS स्टूडियो यूज करना आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कैसे आप लोग OBS स्टूडियो को यूज करके अपने पीसी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, अपना कोई ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करते हो तो आप वो कर सकते हो, या फिर आपको अगर अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना है तो आप लोग वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग अपने पीसी में OBS स्टूडियो को ओपन कर लेंगे। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपने पीसी में डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है OBS स्टूडियो। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके वहां से आप लोग OBS स्टूडियो को डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी पे। तो यहां पे मैंने OBS स्टूडियो को ओपन कर लिया अपने पीसी पे। जब आप लोग ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पे मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स बता देता हूं। तो यहां पे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको जाना है सबसे पहले वीडियो वाले ऑप्शन पे, वीडियो वाले टैब पे जाओ। वीडियो वाले टैब पे जाने के बाद यहां पे आप लोग रिजोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का रिजोल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा, 720p में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है या 1080p में करना है। अगर आपको 4K में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहां पे 1080 रख लेता हूं। अगर आपको 1080 से भी कोई हाई रिजोल्यूशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आप यहां पे मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो रिजोल्यूशन को अपने कीबोर्ड की मदद से। ठीक है, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहां पे कॉमन FPS आपको 30 FPS में करना है, 60 FPS में करना है, अपना FPS भी आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 30 FPS रहने देता हूं। इतना सेटिंग आप लोगों ने यहां पे कर लिया। उसके बाद आपको आउटपुट वाले सेक्शन में जाना है। आउटपुट वाले सेक्शन में यहां पे आप लोग बिटरेट सेट कर सकते हो, जितने भी अच्छी क्वालिटी की आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, जितना हाई बिटरेट आप रखोगे उतनी अच्छी क्वालिटी की आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। अगर आप लोग अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को बाद में वीडियो एडिटर में डालते हो और वहां पे वीडियो एडिट करके बनाते हो कुछ, और आप कभी कभी अपने किसी भी वीडियो के सेक्शन पे जूम करते हो अपने वीडियो एडिटर में, तो आप यहां पे बिटरेट को हाई रखो। जितना हाई बिटरेट रखोगे तो फिर अगर आप लोग अपने वीडियो एडिटर में किसी वीडियो के अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसके किसी भी पार्ट पे जूम भी करोगे तो वो ब्लर नहीं दिखेगा, अच्छी क्वालिटी की जूम दिखेगी वहाँ पे, मतलब वीडियो अच्छी क्वालिटी की दिखेगी। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई बिटरेट भी मत रखो वरना आपके पीसी पे लोड आएगा उतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त। ठीक है, बिटरेट आपने अपने हिसाब से सेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे रिकॉर्डिंग का टैब दिखाई देगा। यहाँ पे आप लोगों को फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, कौन से फोल्डर में आप लोगों को अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव करना है। तो यहाँ पे मेरा जो फोल्डर मैंने सेट करके रखा है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसी फोल्डर में मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सेव होगी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी में सेम एज स्ट्रीम ही रखना है, क्योंकि हमने स्ट्रीमिंग की क्वालिटी में ही बिटरेट को सेट किया है। तो यहाँ पे सेम एज स्ट्रीम रख देना है आपको रिकॉर्डिंग क्वालिटी में। उसके बाद में यहाँ पे नीचे अगर आप लोग देखोगे रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, तो यहाँ पे आप लोगों को MP4 रख लेना है। MP4 इसलिए क्योंकि अगर आप लोग जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को किसी वीडियो एडिटर में यूज़ करने वाले हो वीडियो एडिट करने के लिए, तो MP4 सारे वीडियो एडिटर में सपोर्ट करता है MP4 फॉर्मेट, इसलिए MP4 यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इतना आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है और ओके कर देना है। तो यहाँ पे हमारी सेटिंग्स जो है बेसिक सेटिंग्स वो हो चुकी है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे सीधे मेन पार्ट पे, मेन मुद्दे पे। जब आप लोग ओपन करते हो अपना OBS स्टूडियो सबसे पहले तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे आपको सीन दिखाई देती है। तो क्योंकि हम लोग सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए OBS स्टूडियो को यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोगों को नई सीन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सोर्सेज वाले टैब में सोर्सेज ऐड करना है बस। अब कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। समझ लो आपको आपके पीसी का डिस्प्ले कैप्चर करना है कि आपके पीसी के डिस्प्ले पे जो कुछ भी दिखाई देगा वो स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सोर्स पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जाना है डिस्प्ले कैप्चर वाले सोर्स को सिलेक्ट करना है। डिस्प्ले कैप्चर को आप जैसे सिलेक्ट करोगे इसको आपको नेम दे देना है अपने हिसाब से, जो भी आपको नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाता है। रुको, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको मिनिमाइज करता हूँ। ये वाले टैब में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देता है कि आपको कौन सा डिस्प्ले अपना कैप्चर करना है। तो अगर आपके पीसी में मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्टेड है तो यहाँ पे मल्टीपल डिस्प्ले दिखाएगा ये। तो समझ लो मुझे यही डिस्प्ले कैप्चर करना है, तो मैं अपना प्राइमरी डिस्प्ले जो है मेरा डिस्प्ले 1 उसी को सिलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे आप लोग OBS स्टूडियो में देख सकते हो मेरे डिस्प्ले पे जो कुछ भी हो रहा है वो कैप्चर हो रहा है, मेरा पूरा डिस्प्ले कैप्चर हो रहा है। तो इस हिसाब से आप लोग अपने पूरे डिस्प्ले को कैप्चर कर सकते हो। अब समझ लो आपको पूरा डिस्प्ले अपना कैप्चर नहीं करना है, आपको सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर विंडो की ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग सोर्सेज में प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे विंडो कैप्चर वाला आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये सोर्स को ऐड कर लो और उसके बाद उसको रीनेम कर लो अपने हिसाब से और उसके बाद ओके करो। फिर यहाँ पे आप लोग अगर ड्रॉप डाउन करोगे तो आपके पीसी पे जो भी आपके डेस्कटॉप पे जो भी विंडोज़ ओपन है अभी, जो भी ऐप की विंडो ओपन है, वो सारी विंडो यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो मेरा एक ब्राउजर ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एज, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा तो मेरे ब्राउजर में अभी जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरा ब्राउजर ओपन है, इसको मैं फुल स्क्रीन करके अगर OBS स्टूडियो को ओपन करूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे खाली
मेरा वो ब्राउजर का ही जो भी मेरे ब्राउजर पे है वही दिखाई दे रहा है, तो पर्टिकुलर विंडो ही कैप्चर हो रही है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान रखो, जब भी हम लोग विंडो कैप्चर करते हैं, यहाँ पे विंडो कैप्चर ऐड करते हैं, तो जो विंडो ओपन होती है, मतलब कुछ इस प्रकार से ओपन है आपके डेस्कटॉप पे, वही विंडो यहाँ पे इस लिस्ट में दिखाई देती है। जो विंडो आपने मिनिमाइज करके रखी है, समझ लो जैसे मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, वो मिनिमाइज हो गई विंडो, वो विंडो अब यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। तो ये देखो रेड में हो गया विंडो, तो वो विंडो यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी विंडो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो विंडो यहाँ पे ओपन है, ऐसे ओपन है, भले इसके पीछे हो बट वो ओपन रहे, यहाँ पे मिनिमाइज नहीं रहना चाहिए वो विंडो। अगर वो विंडो मिनिमाइज है तो वो विंडो कैप्चर वाले लिस्ट में यहाँ पे दिखाई आपको नहीं देगी, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ विंडो कैप्चर को, डिस्प्ले कैप्चर को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब आप लोगों का डिस्प्ले कैप्चर आपने करना सीख लिया कि आप लोगों को अपना डिस्प्ले कैसे यहाँ पे कैप्चर करना है, या फिर कोई पर्टिकुलर विंडो कैप्चर करना है तो वो आपको कैसे करना है। बट यहाँ पे ऑडियो का भी मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ, अगर वो सेटिंग प्रॉपर नहीं रहेगी तो आपके स्क्रीन पे जो भी चलेगा, मतलब गेम जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, या फिर कोई भी आप बोल रहे हो, वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वो ऑडियो ही रिकॉर्ड नहीं होगी आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। तो वो सेटिंग आप लोग एक बार ध्यान से देख लो। इसको मैं प्रीव्यू ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे सबसे पहले, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिखाई देता है, मतलब थर्ड ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पे ऑडियो मिक्सर वाला। यहाँ पे आपको डेस्कटॉप ऑडियो दिखाई देता है और यहाँ पे आपको माइक दिखाई देता है, बाय डिफॉल्ट ये आपको दिखाई देगा आपके OBS स्टूडियो में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना ईयरफोन, जो भी हेडफोन आप यूज करते हो वो हेडफोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मतलब ये आपका ऑडियो आउटपुट कैप्चर है, तो अगर आपने करेक्ट हेडफोन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया प्रॉपर्टीज में जाके, तो आपके हेडफोन में जो कुछ भी आवाज़ आएगी आपके पीसी से, वो सारी आवाज़ आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी रिकॉर्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली सेटिंग में जाके अपना हेडफोन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे माइक का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी आपको सेम तरीके से सेटिंग में जाना है, प्रॉपर्टी में जाना है और आपका माइक्रोफोन करेक्ट यहाँ पे जो भी माइक आप यूज़ करना चाहते हो अपनी खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए, वो माइक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब आपका डिस्प्ले भी कैप्चर होगा, अब आपकी ऑडियो भी कैप्चर होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर दो और आप अपने डिस्प्ले पे अब जो कुछ भी करोगे, जो भी गेम ओपन करोगे, जो कुछ भी ओपन करोगे, वो सारी चीज आपके स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होगी एकदम मस्त क्वालिटी में। तो गाइस अच्छे से डिटेल में मैंने सारी चीज आप लोगों को बता दिया है कि आप लोग कैसे OBS स्टूडियो को यूज करके अपने पीसी पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि सारी स्टेप्स आपको समझ में आई। कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आप लोगों को कमेंट में कर दूंगा। ये वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। OBS स्टूडियो रिलेटेड और भी काफी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है।